सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तवे ममं कर्ता नानक लेप छेपना लिपियते हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे सरन जोग दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवे सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेट करा पेशतर गुरुदेव दी सनिमर फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपसी विचार हुई सी सेठी साहब नाल कि कोई लड़ी वार विचार गुरबाणी दी क्योंकि लड़ी वार लंबिया वड़िया बाणिया दिया करीबन करीबन दास दिया टेपा बनिया हुई ने गाथा है संस्कृति सलोक है फोने छंद ने कबीर दे सलोक ने फरीद दे सलोक ने और इस तो इलावा संस्कृति सलोक ने तो दिमाग मेरा बनया भी मूल मंत्र और फिर संजोग बनया जपजी साहब एक ते चुंके दास ने जपजी साहब दी विचार स्टूडियो दे सिर्फ 28 मिंट दी बंदिश होंदी है और 28 मिंट च एक पौड़ी पूरी करनी होंदी है। संगत दे चुंके इस तरह दी गल नहीं है इस वास्ते खुले रूप विच कुछ गल कही जा सकती है खुले विचार पेश कीते जा सकते ने तो मूल बुनियाद ऐसे भी कुछ महापुरुषां दे मंत्र होंदे ने मंत्र कहिंदे ने बोल नूं पंजाबी च असीं कहिंदे आ वाक बोलना संस्कृत दे च कहिंदे ने मंत्र फलाने दा मंत्र है मंत्र दे अखरी अर्थ ही ने फलाने दा बोल है होर मंत्र दे अर्थ नहीं ने कुछ गुरु मंत्र गुरु दा बोल गुरु दा वाक गुरु दी आवाज अर्थ यही बनते ने मंत्र दे क्योंकि भारत दी प्राचीन भाषा ते पुराने सारे धर्म ग्रंथा दी भाषा संस्कृत रही है ते संस्कृत दे च बोल नूं कहिंदे ने मंत्र फलाने दे मंत्र ने भाव फलाने दे बोल ने मनुख करीबन करीबन 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है 10% बाकी व्यवहार नाल तुसी किसे दी अखां वेख के कन वेख के नक वेख के हाथ पैर वेख के कुछ अंदाजा नहीं ला सकदे कि ए की है ए मनुख की है किस तरह अंदाजा लाओगे। मनुख नूं नापण ते तोलण दा ढंग है उसकी गुफ्तगू उसदे बोल कुछ धार्मिक विद्वान तो ऐसा कहने 99% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है लेकिन बहु गिणती दे विचार कहने 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है बाकी 10% उदे नैन वेख के उदा मथा वेख के उदा चेहरा वेख के अंदाजे लगदे ने वह हर मनुख ला नहीं सकदा अंदाजा।
लेकिन बोल अगर उसे दी भाषा दे जो स्रोता समझदा है जानदा है आख्या जाए तो मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट आउंदा है या इंज कह लईए 99% प्रगट आउंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ते कथन अनुसार परमात्मा 100% शब्द राही प्रगट आउंदा है, बोल राही प्रगट आउंदा है, उंज नहीं कुछ नहीं पता चलेगा वो की है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ईश्वर वेखण दा विशा नहीं, ईश्वर सूंघण दा विशा नहीं, और ईश्वर स्पर्श करण दा विशा नहीं। इसनु गुरु नानक देव जी कहंदे ने सिर्फ सुनना, सुन के ही पता चलेगा वो की है। तो किस तो सुनी है ते की सुनी है, उसे दे बोल सुनी है, परमात्मा दे बोल सुनी है। तो परमात्मा दे बोल की ने, असी अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुष उन्हां नूं आख्या है जिन्हां ने ऐलानिया किया असी जो कुछ कह रहे हैं ये बोल साडे नहीं ने, प्रभु दे ने, परमात्मा दे ने, असी सुने ने, सानू प्रभु ने सुनाए ने, और इस वास्ते सुनाए ने जगत नो सुनावा। जैसे कलगीधर पिता कहंदे ने जो निज प्रभु मो सो कहा सो कहो जग माए, जो कुछ मैनू प्रभु ने कहा जगत नो कह रहे हैं, मेरे अपने बोल नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक फरमान कर देना हो आपो बोल ना जानदा कहा सब हुक्म आओ जी, मैनू ते बोलना आमदा ही नहीं, मैं ते कह ही नहीं सकदा। भाव सतगुरु ये कह रहे ने मैं वध तो वध बोलांगा, अपने आप नू प्रगट करांगा, अपने बोलां दे राही अपने स्वभाव नू प्रगट करांगा। पर स्वभाव परमात्मा की है, परमात्मा प्रगट हो सकता है परमात्मा दे बोलां राही, ईश्वर प्रगट हो सकता है अपने बोलां राही। इसका मतलब रब बोलदा है। पातशाह दी वाणी कहंदी है ठाकर हमारा सद बोलंदा, सद तो मुराद हर वक्त बोल रहे है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी वाणी नू किधरे कवि दी कल्पना न समझ लेना, बस इतनी गल है समझिया, ये कल्पना मात्र कुछ नहीं बल्ले पेगा, जिंदगी च कोई तब्दीली नहीं आनी। इस वास्ते कहने जब परम पुरख का कलाम सुनना है तो अंदर भाव इतना होवे सत बचन, भाव ए बोल सच है ते सच मनन लई है, सच कबूल करन लई है। महाराज कहने मैनू बोलना ही नहीं आउंदा, आपो बोल ना जानदा, पर तुसी इतना बोले इतना आख्या है एक ही है। जब तुसी कहंदे हो मैनू बोलना नहीं आउंदा, आपो बोल ना जानदा, आपा मैं से बोल नहीं जानदा जिहदे च मेरा आपा प्रगट होवे, मेरे कोल ऐसे बोल नहीं ने, जो कुछ आख्या है बोल ही मेरे नहीं ने। ओ कहा सब हुक्म आओ जियो, जैसे मैं आवे कसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, जैसे मनुख प्रगट है अपने बोल राही, बोलत ही पहचानी है साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाट। दसवीं दिन किसे दी संगत करो उदी गुफ्तगु उदे बोल चाल देच वो सारे दा सारा प्रगट हो जाएगा, नहीं छुप के रह सकता। पक्की गल दसा उदी अखां नूं वेख के कुछ नहीं पता चलेगा की है, उदा नक वेख के कुछ नहीं पता चलेगा की है, उदा मुंह मत्था वेख के कुछ नहीं पता चलेगा की है। वध तो वध इतने अंदाजे लग सकते ने कि चेहरा खूबसूरत है बदसूरत है दरम्यान है, बस इन्ना कह देंगे और की है। चेहरा प्रभावशाली है आकर्षण रखता है, इस तरह दियां कुछ गल्लां कर रहे हैं।
अगर इस हिसाब नाल भी चेहरा करूप है तो वाकई ये मनुख ठीक नहीं होवेगा, तो दुनिया के बेशतर संत महापुरुष उन्होंने धार्मिक दुनिया चो एक पासे करना पड़ेगा। भारत का प्राचीन संत ऋषि वेद व्यास जिन्हें चार वेद लिखे, छे शास्त्रां दे चो वेदांत शास्त्र का रचयिता व्यास है, भविष्य पुराण लिखिया, गीता लिखी, महाभारत लिखिया, और पंजाब का वगदा होया दरिया एक इसे ऋषि के नाम से है व्यास, इसे दे कंडे बैठ के इसने लिखे। उस जमाने का सब तो करूप बंदा, उस जमाने का अगर इसके चेहरे तो अंदाजा लगाइए तो कुछ भी नहीं, पर ये बोलों नु सुनिए तो बड़ी गल, बड़ी गल हैरानगी होती है। इस करूप तन दे चों, इस करूप मुंह मथे दे चों इतना स्वप्न निकले है, इतनी सुंदरता निकली है, इतना जमाल निकले है, इतना कमाल निकले है। कहिंदे ने जनक दा गुरु अष्टावकर अपने जमाने दा सब तो करूप बंदा। अगर बारहवें अंदाजा लाना है तो कह सकते हैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, बच्चे अंदाजा ला सकते हैं, कहते ना अष्टावकर बाहर निकलता सी बच्चे पत्थर मारते सन, उस बच्चे पागल पागल करके कहते सन, लत्तां टेढ़ियां, बाहां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, हर अंग टेढ़ा, अष्टवक्र अठां थावां तो टेढ़ा सी। यकीन जानो मनुख ना अपनी नक राही प्रगट आउंदा है, ना अपने अखां राही प्रगट आउंदा है, ना अपनी नेत्रां राही प्रगट आउंदा है, ना हथ पैरां राही। मनुख दा अंतिशकरण प्रगट आउंदा है उसदे बोलां तों, बोलत ही पहचानी है, साध असाध को थात। इन्हां बोलां विच दुख है, इन्हां बोलां विच प्रसन्नता है, इन्हां बोलां विच मूर्खता है, इन्हां बोलां विच ज्ञान है, इन्हां बोलां विच नफरत है, इन्हां बोलां विच प्रेम है, इस बोल विच वितकरा है, इस बोल विच समदृष्टि है। बोल बहुत कुछ दसदे ने, बोलां तो बहुत कुछ पता चलता है। मनुख 99% सहमता में प्राचीन सनातनी ऋषियां नाल के 99% मनुख अपने बोलां राही प्रगट है। अज दे आचार्य कहिंदे ने घट तो घट 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट आउंदा है, 10% बाकी अंदाजा कोई सियाणे ला सकदे ने, कोई विरले। नेत्र वेख के, इस दे मस्तक दे हाव भाव वेख के, पर ये हर बंदे दी खेड नहीं आउंदी। जैसे हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आउंदा ते पदार्थ दे गहरे तल दे च नहीं जांदा, हर मनुख कोई संगीतकार भी नहीं है कि सुरां दी गहराई चला जाए, हर मनुख चित्रकार भी नहीं आउंदा कि रंगां दी बारीकी नूं समझ जाए। यकीन जाणो एक दरख्त सानू हरा दिखाई देंदा है, पर एक चित्रकार नूं उसे एक दरख्त दे च पता नहीं कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। उंज मैनूं नहीं पता चलना सी, एक कवि है अक्सरदास दे नाल इंडिया दे च भ्रमण करदा है, कवि रोशन करके, प्यारा सिंह रोशन, और चित्रकार भी बड़ा गजब दा है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां होर धार्मिक स्थाना दियां बड़ियां सोहणियां सोहणियां तस्वीरां बनाईयां। एक दिन शौकिया तौर ते किधर मेरी तस्वीर बना के लिया, मैं कि तू ते बड़ा बाकमाल आर्टिस्ट है। अलवर दे पहाड़ दे कोल एक दरख्त उसनू पसंद आ गया, कहिंदा मैं इहदी तस्वीर बनानी है। मैं क्या ठीक है बना, कहिंदा इत्थों रंग मिल जाण के, मैं रंग नहीं ले आया अमृतसर तो, मैं कि रंग तैनू ले देने, हरा रंग तैनू चाहिदा होना है। कहिंदा नहीं गैनी जी, 10-15 रंग चाहिदे ने। मैं कि दरख्त हरा है, दरख्त दी तस्वीर बनानी है ना, तो दरख्त दा चित्र बनाना है। कहिंदा नहीं, दरख्त दे सैकड़े रंग ने, सैकड़े रंग ने। मैं हैरान होया, दरख्त दे सैकड़े रंग, सारे पत्ते हरे ने,
सारे तो हरा ही है। कहिंदा नहीं, इन्हां हरे पत्तियां विच भी सैकड़े तरह का हरा रंग है, मैनू देने पैणगे, एक रंग नाल गल नहीं बनेगी। तो एक चित्रकार जितना रंगा की गहराई च जांदा है, आम मनुख नहीं जा सकता। आम मनुख ने तो दिसेगा दरख्त हरा है, पर यकीन जानो किथे गहरा हरा है, किधरे फिक्का हरा है, किधरे कुछ थोड़ा जिहा जर्दी मायल है। ये बहुत सारे रंग इक्को ही दरखत दे च एक चित्रकार नूं दिखाई दे सकदे ने, दूसरे नूं नहीं। तो जैसे हर मनुख कोई चित्रकार नहीं आउंदा, हर मनुख संतराश नहीं आउंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं आउंदा, हर मनुख दार्शनिक नहीं आउंदा, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आउंदा, हर मनुख मनुख दा सिर्फ मुंह मत्था वेख के कुछ नहीं अंदाजा ला सकदा। अगर अंदाजा लांदा है तो करीबन करीबन गलत आउंदे ने अक्सर लोगां दे, क्योंकि मनुख प्रगट आउंदा है अपने बोलां राहीं। प्राचीन ऋषि मुनिया दे कथन अनुसार 99%, अज दे धार्मिक आचार्य कहिंदे ने 90% मनुख अपने बोलां राहीं प्रगट आउंदा है। ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने परमात्मा ते शब्द राहीं प्रगट आउंदा है, पूरे दा पूरा बोलां राहीं प्रगट आउंदा है। ते जे बोलां राहीं प्रगट आउंदा है तो बोल किहड़े ने? ठाकुर हमारा सद बोलन था, कदी चुप नहीं करता। थोड़ा जा मैं अर्ज कर दिया, ईश्वर एक व्यापक शक्ति है, सता है। अगर वह व्यापक है तो फिर उसका वेखना व्यापक है। यह नहीं कि गुरुद्वारे च वेखदा है तो मस्जिद च नहीं देखता, मस्जिद च देखदा है तो मंदिर च नहीं देखता, मंदिर च देखदा है तो बाजार च नहीं देखता, या बाजार च देखदा है तो घर बार च नहीं देखता। व्यापक है, उसका वेखना व्यापक है, उदी नजरां दे थले सब कुछ है। पेखत सुनत सदा है संगे, शरीर मेरा सीमत है, थोड़ा सीमत है। तुसी अपने घर तो इथे आयो तो हुण मैं अर्ज करा, अखां इथे काम कर रही ने, या कोई मनुख यह तो नहीं आख सकता मैं इत्थे आ गया, मैं अपनी अखां घर छोड़ के आ गया, अपने कमरे दे च रख के आ गया। मनुख जिथे है उहदियां अखां उत्थे ने। अगर ईश्वर व्यापक है तो फिर उसदियां अखां व्यापक ने, अगर ईश्वर व्यापक है तो फिर उसका बोल व्यापक है, अगर ईश्वर व्यापक है तो उसकी स्रोत व्यापक है, उसका सुनना भी व्यापक है। यह नहीं कि एक थां ते सुनदा पिया तो फिर जिस थां ते सुनदा पिया उत्थे ही है रब, बाकी थावां ते नहीं है। फिर जिथे वह वेखदा पिया उत्थे ही है, बाकी थावां ते नहीं है। जैसे मनुख बारे कह सकते हैं, जिथे इस नूं सुनाई दे रहा है बस ये मनुख उत्थे ही है, इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं है। जिथे वेखदा पिया बस उत्थे ही है, इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं है। ज्ञान इंद्रे मनुख दे कोल बड़े सीमित ने, क्योंकि मनुख आप सीमित है। इहदा गत कद बुत नापिया जा सकता है, इसकी सारी शक्ति नापी जा सकती है। विचारक ते ऐसा कहिंदे ने मनुख की विचार शक्ति नूं भी नापिया जा सकता है, सोच शक्ति नूं भी नापिया जा सकता है, कितना क सोच सकता है, कितना क विचार सकता है, इहदे विचार कित्थे तक जा सकते हैं। आखिर मनुख थकदा है, टुटदा है, एक साइंटिस्ट भी खोज कर करके थकदा है, ते थकावट इस गल का सबूत है। हुण मैं अगे काम नहीं कर सकता, नहीं सोच सकता, इस तो अगे मेरी सोचनी नहीं जाती। ब्रह्मे ने हट कीता कि जो कुछ भी जगत दिच है, ईश्वर तो प्रगट होया है, मैं सब कुछ लिखत दिच लेना है। और सब कुछ जगत का ही रूप नहीं बयान मैं करना, जिथों जगत आया है वह भी सारे का सारा मैं लिखना है, अपनी लेखनी च लेना है, अपने बोलना च लैना है, अपनी लिखत दे च लैना है। कहिंदे ने स्रोतियां दी महफिल दे ते स्रोते सन देवते, देवते तो मुराद ज्ञानियां दी महफिल सी। देवता कहिंदे जिथे ज्ञान दा दीवा जल गया, तो यह ज्ञानियां च कथा करदा सी, देवतियां च कथा करदा सी। और इसकी एक हट सी, इहदी एक जिद सी, जिथे कोई स्रोता नहीं मैं उत्थे नहीं बोलना।
एक दिन शिव जी ने साफ कह दिता सी कि सारे स्रोते ही तेने आए ने थानू सुनन लई। कहन नहीं, कोई भी स्रोता नहीं, सब दी अपनी अपनी कामना है, सब दी अपनी अपनी वासना है। हर मनुख अपनी कामना नु सुन रहा है, हर मनुख अपनी वासना नु सुन रहा है, हर मनुख अपनी समस्या च उलझे होया है। मैनू स्रोते चाहिए ने, और स्रोते तुसी दो, शिव जी ते विष्णु। एक शिव पुराण दी कथा है, तुसी दो ते दोहां नू सुनाना मैं मुनासिब नहीं समझदा, क्योंकि जो मैं सुनाना है तुसी जान देओ, फिजूल वकत जाया करना। जो कुछ मैं कहना है वो थोड़ी लोड़ नहीं, ते जिन्हां दी लोड़ है वो लोड़ लेके आए नहीं। ब्रह्मे देवो, मैं जो कुछ बोलना है ऐ शिव जी, ये थोड़ी लोड़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं कहना है वो थोड़े कोल है, जो कुछ मैं कहना है वो विष्णु कोल है। मैं आनंद दी गल करनी है, प्रेम दी गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं बैराग दी गल करनी है, त्याग दी गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं सबर दी गल करनी है, संतोख दी गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं शुद्ध हिरदे दी गल करनी है, ज्ञान दी गल करनी है, थोड़े कोल है। एवें मैं खपा फिजूल वकत जाया करना, स्रोते कोई नहीं। कहिंदे सैकड़ां दा इकट्ठ सी, ब्रह्मे ने जिद कीती नहीं, स्रोते आउणगे सुणावांगा। तो गाथा है, देवतियां दे च कथा करदा सी, भाव ज्ञानियां दे च कथा करदा सी, जो ज्ञान नूं सुन सकदे सन, प्रेम नूं सुन सकदे सन। इतनी ताब सी उहनां दे च, इतनी हिम्मत सी उहनां दे च। इन्हां सारियां स्रोतियां च एक दिन ब्रह्मा कहिंदा है, मैं वो कुछ लिखना चाहना कि सब कुछ मेरी लेखनी च आ जाए, मैं वो कुछ कहना चाहना कि सब कुछ मेरे कहने च आ जाए, मेरे कहने तो बाहर कुछ भी ना होवे, मेरी लेखनी तो बाहर कुछ भी ना होवे। विष्णु ने कहा, लै मैं तेनू आसीस देना कि तेनू सफलता मिले, मैं तेनू आसीस देना। शिव जी हाथ जोड़ के कहन लगे, ब्रह्मा चलो पता चल जाएगा कि अकल थोड़ी कितनी विस्तार धारण कर सकती है, कितना कुछ थोड़ी अकल दे चा सकता है। ये भांडा किन्ना क वड्डा है, थोड़ी बुद्धि दा ये भांडा किन्ना क वड्डा है। ये सब कुछ आ जाएगा, जिस दिन आवेगा मैं उस दिन आशीर्वाद थानू देंगा, आज नहीं। शिवजी जी कहते हैं, जिस दिन ये सब कुछ थोड़े अकल दे भांडे दे च आ जाएगा, मैं उस दिन थानू आसीस देंगा। विष्णु कहता, मेरा आशीर्वाद तू अपने काम दे सफल हो। मैं बुढ़ा हो गया, खोज करदिया करदिया बिरद हो गया, अखां जवाब देन लग पईआं, काफी बुजुर्ग होया। ते इन्हां अखां च एक दिन देवतियां दिच बैठा कथा सुनानी है, ते पता की आखिया इसने, अज मैं जबान नाल नहीं बोलना। ते रो पिया, अखां सजल हो गईयां, फिर जारो जार रो पिया। स्रोतियां च विष्णु भी बैठा है, शिवजी भी बैठा है। ते विष्णु कहने, ना अज ते तुसी आखरी गल करनी सी, अज ते कथा दी समाप्ति सी, अज ते गल मुकम्मल करनी सी। पता है जबान चो की निकलिया, नेती नेती, जो कुछ भी मैं कहा है ये नहीं है, नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये आखरी बोल ने ब्रह्मे दे, इस नाल ही वेद समाप्त होए। नेति नेति,
जो कुछ मैं खोजे ये सब कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। और सब कुछ मेरे अकल दे भांडे च नहीं आ सकता। नेती नेती धार्मिक जगत दे च ये शब्द बड़े प्रचलित हो गए। नेती नहीं है, ये भी नहीं। जो कुछ मैं कह ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं। मेरे बोल अधूरे, मेरे बोल अधूरे। ते पता है शिव जी ने की आख्या, जिस दिन किसे नु ऐसा महसूस होंदा है मैं अधूरा कुछ भी करा, उसे दिन उसके अंदर पूर्णता प्रगट होंदी है। उस तो पहले होंदी भी नहीं। उसे दिन बूंद सागर बनती है, उस तो पहले होंदी ही नहीं। और जब सागर हो जाती है तो फिर उसको कहने की लोड़ भी नहीं पैंदी, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, दुनिया भर दे इस तरह के दार्शनिक चिंतक विचारक अवतारी पुरुष इन्हों का कहना है 99% मनुख अपने बोलों राही प्रगट होता है। कृष्ण की ने एक गीता पढ़नी पड़ेगी, राम की ने रामायण तो पता चलेगा, उपनिषदा दे ऋषि की ने ये उपनिषदा नू पढ़न तो पता चलेगा। और मैं हैरान होया किसी भी उपनिषद ते लिखारी दा नाम नहीं है। काठो उपनिषद, मारकंडा उपनिषद, इस तरह दी 8-10 उपनिषदा दास ने देखिया, मैं हैरान भी आखिर लिखिया किसने, ये उपनिषदा किस दियां ने? कुछ भी नहीं लिखिया। 108 उपनिषदा ने, तो कम से कम 108 बंदियां दे नाम होने चाहिए ने, 108 ऋषियां दे नाम होने चाहिए ने, नहीं ने। आखिरी शब्दां दे च उपनिषद दी आखिर दे च कहिंदे ने ऐसे खो गए, ऐसे मिट गए, अपना नाम भी चेते नहीं रहा, नहीं ख्याल आया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने मेरे छुपे रहण दी चाह। हुण ते छुप जाइए ओही प्रगट होवे, खत्म हो जाइए। भगत भीखन जी कहंदे ने अनक जतन कर हिरदे राख्या, रतन ना छपे छपाया, छुपाण दी कोशिश कीती है पर मैं ते चलो अपने आप नु छुपाण दी कोशिश कीती है, पर जिस नु छुपाण दी कोशिश कीती उते प्रगट हो गया। जिस नु छुपाण दी कोशिश कीती है किथों प्रगट होया? बोलां तो। परमात्मा बोलां राही प्रगट होंदा है। ठाकुर हमरा सद बोलंता, ठाकुर सद बोल रहा है। ये बोल जिस दी पकड़ दे चा जान सी उसनु कहने आ ब्रह्म ज्ञानी अवतार। मोहम्मद साहब ने कह दिता सी कुरान खुदा दे बोल ने, नाजल होईयां ने, मेरे बोल नहीं ने। इन्हां दी पत्नी खदीजा उसने ही कह दिता हां मैं ऐलानिया कह सकनी है थोड़े बोल नहीं ने, क्योंकि तुसी अनपढ़ हो, तुसी कवि नहीं हो, शायर नहीं हो, तुसी अल्फाजा नु इस ढंग दी तरतीब नहीं दे सकते जिड़ी दित्ती है तुसी। और पहली दफा जो कुछ मैं सुन रही हां ये मैं दावे नाल कहनी हां ये बोल थोड़े नहीं, ये तुसी नहीं बोल सकते। और उत्थे मोहम्मद साहब कहंदे ने मैं किथे बोल सकदा, खुदा बोल रहे ये नाजल हो रहा है, खुदा दे बोल ने, मेरे नहीं ने। कहने ने इस्लामी जगत देच मुसलमाना दी गिनती खदीजा तो आउंदी है, पहली मुसलमान है। इस तो बाद इस्लाम फैलिया। सिख जगत दे विचारक भी ऐसा कहंदे ने पहला सिख बेबे नानकी। इस्त्री दे अंदर भावना बड़ी प्रबल आउंदी है, भरोसा बहुत छेती करती है, स्वभावक। पुरुष के अंदर तर्क बड़ा प्रधान होता है। एक दफा परमात्मा भी साक्षात किधरे प्रगट होवे ते किंतु परंतु उस नाल भी करेगा, इसने करना है, इसकी अकल ऐसी है। मनुख तर्क करता है, पुरुष तर्क करता है, भावना दे पिछे तर्क चलती है स्त्री दी।
पुरुष तर्क दे पिछे भावना चलती, पहले तर्क, पहले खंडन मंडन। जब दोवें बराबर होन, तर्क ते भाव, अकल चाहिए उन्हें समझण लई, हिरदा चाहिए उस नाल जुड़न लई। जिस दिन समतल आते ने कहते उस दिन ही असलियत ते सच्चाई मनुख दे अंदरों प्रगट होती है। उस दिन स्त्री पुरुष का भेद भी मिट जाता है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, यह भेद मिट जाता है, क्योंकि भाव ते ज्ञान, प्रेम ते ज्ञान दोवें बराबर हो जाते हैं, समतल। इसे नूं कहिंदे ने स्त्री पुरुष एक हो गए। और जिस दिन अंदरूनी तौर पर एक हो गए, भाव ते ज्ञान एक हो गया, बाहर भी सब एक दिखाई देता है, दोनों ही दिखाई देते हैं। अगर स्त्री स्त्री दिखाई दे रही है, पुरुष पुरुष दिखाई दे रहे हैं, तो गुरबाणी भी कहती है, धार्मिक इतिहास भी कहता है, ना एक नाल जुड़े है, ना एक नूं समझे है, ना एक नूं इसने जाने है। ते मैं इतनी भी अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मूल मंत्र एक तो आरंभ होता है, तो जिसन एक दिखाई देता है तो फिर एक ही दिखाई देना चाहिए है। मीरा नचती हुई द्वारकाधीश के मंदिर से चली गई। इस मंदिर इस्त्री के प्रवेश की ममानियत सी, बई इस्त्री नहीं जा सकती, बंदिश सी। उन ते यहूदियां दे मंदिर इस्त्रियां नहीं जा सकदियां। इस्लाम देच भी पुरुषां दी कतार देच नमाज इस्त्रियां नहीं पढ़ सकदियां। जैन धर्म भी कहिंदा है इस्त्री चोले च मुक्ति भी नहीं है। अगर इस्त्री साधना करे, जप तप करे, इनू अगला जन्म पुरुष दा मिलेगा, फिर जप तप करे, साधना करे, फिर मुक्ति मिलेगी, उंज नहीं, इस चोले च नहीं, इस काया देच नहीं। इसनो हिंदुस्तान दे बाकी अवतारी पुरुषां ने नहीं मनिया, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी नहीं मनिया। खैर, मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक मंदिर दे प्रवेश बंद सी इस्त्री लई, पर जिस ढंग नाल एक गीत गांदी हुई प्रवेश कर रही सी, लोकां दी हिम्मत ना पई उन्हों रोकण दी। एक प्रभाव आंदा है भजन दा, सच्चाई दा, बैराग दा, प्रेम दा, एक अपना प्रभाव होंदा है। और कई दफा यह हड़ दी तरह होवे तो देखण वाले भी उस हड़ दे च बह जांदे ने, किसे नूं रोकण दी हिम्मत नहीं पई, बई रोकी है। गीत गांदी अंदर चली गई, पुजारी दे हथ दे च थाल सी आरती उतारण लई, गिर गया। स्त्री आ गई, एक स्त्री आ गई, अछूत आ गई, शूदर आ गई, मंदिर भ्रष्ट कर देता। मीरा ने दो बोली सिर्फ कहने, पुजारी अजे स्त्री स्त्री दिखाई देंदी है, पुरुष पुरुष दिखाई देंदा है, एक कदों दिखाई देगा। ये मीरा दे बोल, अजे भेदभाव है, कदों तक आरती उतारदा रहेगा, कदों तक इस कर्म कांड विच फसिया रहेगा। एक नहीं, अजे भी एक दा बोध नहीं, अजे भी एक दी खबर नहीं। तो खैर, इस नूं विस्तार सहित बयान करन तो पहले मैं इतनी अर्ज कर दिया कि परमात्मा भी 100% अपने बोलां राही प्रगट है। केड़े बोल? जो अवतारां दी पकड़ दे चाहे, भरोसा उथे करना पड़ेगा। मोहम्मद कहने ने बोल मेरे नहीं ने, खुदा देने नाजल होए ने। गुरु नानक कहने ने बोल मेरे नहीं ने, मैनू बोलना आउंदा ही नहीं, हों आपो बोल न जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जीओ। इते खसम दे बोल ने, जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। ये बोल जिन्हां दी पकड़ दे चा जांदे ने, जो सुन लैंदे ने, बस उसनूं अवतार कहिंदे आ।